किसानां नूं रोकण लई पब्बा पार होया प्रशासन सड़कां च ठोक दित्ते लोहे दे सरिये मिट्टी दे ला दित्ते उच्चे उच्चे ढेर ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖੋ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਪੁਖਤਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਾ 144 ਲਾਗੂ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਣ ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਦੇਖੋ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਦਾ ਤੈਨਾਤ ਹੈ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਹੇ ਦੇ ਸਰੀਏ ਠੋਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਵੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਕਰੀਟ ਤੇ ਪੱਥਰ ਵੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਕੰਟੇਨਰ ਭਰ ਭਰ ਲਾਏ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਣ ਕਿਉਂਕਿ ਧਾਰਾ 144 ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਸਵੀਰਾਂ ਫਤਿਹਾਬਾਦ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ देखिए ये जो किसानों का जो दिल्ली कूच का इसमें ऐलान किया गया है तो इसमें जैसे पहले भी 2-3 साल पहले हुआ था तो जो एक बड़े लेवल पर हमारी जो अर्थव्यवस्था है और जो लोकल जज्जर में या चाहे दिल्ली के जो इंडस्ट्रियलिस्ट है या फिर बिजनेसमैन है उनको काफ़ी नुकसान हुआ था तो उसी के मद्देनज़र मैं सभी किसान भाइयों से अपील करना चाहूँगा कि इस मार्च में ना जाए और जो बातचीत का जो रास्ता है सरकार के द्वारा भी 3 सीनियर मिनिस्टर की ड्यूटी लगाई गई है तो बातचीत के माध्यम से जो भी डिमांड है उस पर जो कोई भी अगर कन्फ्रंटेशन है तो उसको सुलझाए और ये जो दिल्ली कूच है इसकी तरफ को ना जाए तो सर यहाँ लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए 144 इम्पोज किया गया जी बिल्कुल हरियाणा सरकार लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है हमने यहाँ पे ऑलरेडी धारा 144 के तहत प्रतिबंध लगा दिए हैं किसी भी टाइप के ऐसे डेमोंस्ट्रेशन का साथ के साथ सभी जो नाके हैं जो पंजाब से बॉर्डर चूँकि हमारा है तो नाकों को भी हमने सील कर दिया है साथ के साथ में हमने रिजर्व फोर्स भी रखी है ताकि जस्ट इन केस अगर कहीं किसी और जगह होता है तो वहाँ पे भी तुरंत कार्रवाई कर सके मैं श्योर कर सकता हूँ सभी जिला वासियों को कि लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से मेंटेन किया जाएगा सर कोई टेम्प्रेरी जेल की व्यवस्था की जा रही है जी बिल्कुल टेम्प्रेरी जेल का प्रस्ताव हमने यहाँ से 3 जगह चिन्हित करके हमने सरकार के पास में भेज दिया मुझे उम्मीद है कि आज में वो अप्रूवल होकर उसका आ जाएगा मैं आशा करता हूं कि उनके यूज करने की ज़रूरत ना पड़े और बातचीत के माध्यम से सारा जो समस्या है उनका निदान हो जाए और सब कोई शांतिपूर्वक अपने घर पे लौट जाए